हेलो फोर्थ ईयर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सॉरी, इट्स गुड आफ्टरनून, इट्स 13:57. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सी फोर्थ ईयर्स, आई जस्ट वांट टू शो यू द सिलेबस ऑफ बीएससी फोर्थ ईयर थियोरेटिकल सिलेबस. लेट्स सी, फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट डन. आई थिंक ये तृप्ति मैम ने आप लोग को डन कराया है. सेकेंड यूनिट ऑल्सो डील्ड बाई आई थिंक तृप्ति मैम ओनली. थर्ड यूनिट मैंने डील किया है, दैट इज़ एंटी रेटल केयर. आप लोग को ये दिखाना चाह रही हूँ मैं कि आप लोग का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है. ऑलमोस्ट 95% आप लोग का डन हो चुका है. नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेटल पीरियड. आई थिंक ये लीन मैम ने डिस्कस कर चुकी हैं. और आप लोग को अगर कुछ भी यूनिट ऐसा लग रहा है जो नहीं डील हुआ है अच्छे से, दैट यू कैन आस्क मी वेरी वेरी फ्रीली. इट इज़ नॉट बाउंडेड टू यू विल स्पीक टू योर कोऑर्डिनेटर ओनली. आई एम द HOD ऑफ OBG, तो यू कैन शेयर विथ मी एनी डाउट्स रिगार्डिंग OBG सिलेबस और एनीथिंग एल्स. एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट इज पोस्टनेटल यूनिट. इट इज डील बाय द असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड. आई थिंक इट इज कंप्लीटेड बाय द मैडम आरती मैम. नेक्स्ट इज आई थिंक असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल नियोनेट. आई थिंक इट इज डन बाय तृप्ति मैम. व्हाट द नेम, आरती मैम. ओके, नेक्स्ट आई रिस्क प्रेगनेंसी डील बाय मी. एबनॉर्मल लेबर असेसमेंट मैनेजमेंट तृप्ति मैम ने डील किया होगा. एबनॉर्मलिटीज ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड, आई थिंक ये आरती मैम और मैंने दोनों ने मिलकर ये फिनिश किया है. नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न. आई थिंक ये लीन मैम ने ये डिस्कस किया है. और अगर नहीं हुआ है ये यूनिट तो प्लीज़ एक बार हमें रिकॉल करवा दीजिए. नेक्स्ट यूनिट इज फार्मेकोथेरेप्यूटिक इन ऑब्स्टेट्रिक, दैट आई डील दिस यूनिट टुडे ऑनवर्स. एंड नेक्स्ट इज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. दिस यूनिट इज कंप्लीटेड बाय लीन मैम आई थिंक. ओके, सो एट ए ग्लैंस वी कैन सी ऑल द योर सिलेबस ऑफ OBG इज कंप्लीटेड एक्सेप्ट दिस यूनिट. टुडे आई विल स्टार्ट दिस यूनिट ओनली. दिस यूनिट इज आई थिंक 4 hours यूनिट. विल कंप्लीट दिस इन 6 hours. आई थिंक 6 hours या फिर दिस वीक और मोर देन दिस वीक. ऑलमोस्ट इस वीक विल गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस. ओके, यू हैव टाइम दिस वीक. यू हैव टाइम, यू सी द सिलेबस. अगर आपको कोई भी यूनिट में किसी भी प्रकार का कुछ भी क्वेरीज लगता है तो विल रिपीट दैट यूनिट. यू कैन डिस्कस विथ ईच अदर. आप लोग सारे ग्रुप में डिस्कस कर लें, नॉट इन दिस ग्रुप, आप लोग का पर्सनल ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर लें. एंड प्लीज़ लेट मी नो विच यूनिट इज डिफिकल्ट और विच यूनिट इज टेकिंग ट्रबल इन. एंड लेटर ऑन विल टेक ए टेस्ट ऑफ एवरी यूनिट. It is having almost 12 unit and will take a unit test. Be ready with all the syllabus. After the completion of syllabus, we'll take only the test and revisions. Okay. So after this week, we'll start the seminar. Back to back seminar will be there. With the seminar, you will get your test, unit test. Aapko milega. Every unit you will give test. Then after we'll conduct a midterm exam. Okay. So this was about the syllabus. Let's start the topic of the today's class, that is pharmatherapeutic in obstetric. How pharmatherapeutic in obstetric is important and how many drugs are there which are important in the obstetric. You have to prepare one file of drugs also, that we call the drug file, and one more is instrument file. You have to prepare kis instruments ka use kiya jata hai in OBG and how many drugs, which are the drugs which how many drugs are there which is used in the OBG, that you have to prepare. There are only I think 21-22 drugs are only important which you have to write with the photographs. Okay. And this is very easy. Now lockdown is almost open. Aap drug file, instrument file banana start kar sakte. I'll send you the content, kaun kaun se drugs you have to use. आई थिंक मैम ने आप लोग को दिया भी होगा. अगर नहीं दिया है तो आप लोग मुझसे फ्रीली पूछो, मैं आगे से आप लोग को कुछ नहीं बोलूँगी. यू आई एम जस्ट ऑर्डरिंग दिस. यू हैव टू प्रिपेयर योर ड्रग फाइल, योर इंस्ट्रूमेंट फाइल. ठीक है, ऑन डेटेड 5th-6th July. आई एम टेलिंग यू
दैट यू हैव टू प्रिपेयर. अब मुझे आफ्टर ए मंथ आई चेक योर ऑल दी फाइल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रग्स फाइल. ठीक है, लॉकडाउन ओपन हो चुका है, यू कैन गो ईजिली इन एनी स्टेशनरी एंड पिकअप दैट कॉपी. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ कि इसने कैसा लिया उसने कैसा लिया है. अगर सिमिलरिटीज नहीं होती तो आई मैनेज, नॉट एन इशू. बट आई नीड कंटेंट, मुझे कंटेंट चाहिए और वो भी सॉलिड कंटेंट चाहिए, क्योंकि यू हैव कंप्लीट गूगल विथ यू, आपको कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है कंटेंट. तो यू टेक बेटर हेल्प ऑफ गूगल, और इफ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक ऑफ दत्ता देन यू कैन गो विद द ऑनलाइन टेक्स्ट बुक ऑफ दत्ता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट ड्रग इज ऑक्सीटोसिन. दिस ड्रग इज लाइक ब्रेन इन अवर बॉडी. Understand means how much the role of oxytocin in a woman during the delivery I can't explain. Means this is the this hormone or this medicine is very very important for our body to deliver the baby. Okay, so let's see how it is important for our body. Preparation use see synthetic oxytocin, syntomatrin, desamino oxytocin, oxytocin nasal solution. These are the preparation. ये सारे preparations आते हैं उसके. Effectiveness in later month of pregnancy and during the labor. Let's start the with the indications. Therapeutics में if you see pregnancy in early and late. Let's see when we provide a woman to oxytocin to accelerate the abortion. Understand? To accelerate the abortion. In the terms, in the condition of abortion, conceptual material is inside the uterus. Okay? How it will come out automatically, you just imagine. Or do you know, during your menstruation period also, our uterus contract and relax, because during this period also the oxytocin hormone is active on that period, or oxytocin hormone is only the hormone which contract and relax the uterine muscles. So that hum log ko uterus mein pain kyun hota hai during the menstruation, because of contraction and relaxation. Okay, because of contraction and relaxation your menses, your blood came out. Understand? Same will happen in the duration during the period of abortion, during the period of delivery. This contraction and relaxation of the uterine muscles will help, or will provide the proper movement, so that the all the product, all the materials of uterus came outside. Okay. So first one is that to accelerate the abortion. Abortion ko accelerate karne ke liye we need to have oxytocin. And the oxytocin medicine we provide a woman during the abortion, so that the more contraction and relaxation of uterine muscle can help the process of abortion. Okay. Next is to stop the bleeding following evacuation of the uterus. The oxytocin also helps to stop or to control the bleeding following the evacuation of the uterus. जैसे ही uterus evacuate हो जाता है उस time पर भी excess bleeding होती है. उस time पर excess bleeding को रोकने के लिए भी provide the oxytocin, so that the blood can bleeding can stop. Okay, means it also help in to stop the bleeding. Used as an adjuvant of abortion along with other abortificient agent. Oxytocin also play very important role in the जैसे during the हम जब agents use करते हैं for abortion, on that situation the oxytocin also play major role on that period. Okay, sorry for disturbing. Yeah, in the condition of late to induce the labor. Kya, this was all about the in the early pregnancy. Ab early pregnancy mein we do how the oxytocin help in the early stage of pregnancy. Now in the condition of late pregnancy, how oxytocin can help? Let's see. To induce the labor ko induce karne ke liye. Now understand, today is 6th July, right? A woman EDD was on 30th June. Okay,
30 जून को उसका ईडीडी था, बट टुडे इज 6 जून, टिल नाउ शी डिड नॉट गेट एनी पेन और एनी लेबर पेन. नाउ शी केम टू हॉस्पिटल टू चेक फॉर बेबीज डिलीवरी और टू चेक फॉर लेबर पेन. देन दिस कंडीशन वी डू द यूएसजी इफ आफ्टर 1 week इज वेरी मच कंसिडरेबल. अगर 9 महीने से ऊपर 1 week एक्स्ट्रा हो गया तो ओके कंसिडरेबल, बिकॉज इट वॉज इन माई सिचुएशन ऑल्सो. 30th October वॉज माई ईडीडी, बट आई गेट माई बेबी बाई 7th November. ओके, बट दिस इज नॉट एन इशू. बट आफ्टर ए वीक इफ देर इज ए लेट इन डिलीवरी, इट केम इन टू 15 days, अगर 15 days से भी ऊपर हो रहा है तो वॉट विल डू, वी डू ए यूएसजी एंड यू विल सी द कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ फीटस. इफ बेबी इज कम्प्लीटली मैच्योर्ड और ग्रोन प्रॉपरली, देन वॉट विल डू, वी प्रोवाइड द इंडक्शन ऑफ लेबर. क्योंकि बेबी अब एक्सेस बड़ा हो गया तो हम, देर इज़ नो एनी स्पेस टू टू लाई डाउन टू मूव देयर. तो बेबी कान सर्वाइव इन साइड द यूट्रस आफ्टर ग्रोइंग, आफ्टर कम्प्लीट मैचुरेशन. ओके, सो इट इज़ नीडेड टू गिव द इंडक्शन ऑफ लेबर. तो विल प्रोवाइड द विल इंड्यूस द लेबर. हम ऑटोमेटिकली बाई द मेडिकेशंस वी इंड्यूस द लेबर. What, how will induce the labor? Will provide some medications which will provide the pain, labor pain, which will start the true labor pain, and it will contract the uterine muscles, contract and relax the uterine muscles so that the normal process of labor we can start by the help of induction of labor. Okay. Next is to facilitate cervical ripening for effective induction. Yeah, this oxytocin also we give during the delivery or during the induction of labor to ripen the cervix. अब what do you mean by ripening of cervix? I think आप लोगों ने second stage or first stage of labor में आपने पढ़ा होगा ripening of the uterus. लीन मैम ने ये पढ़ाया होगा. Now I'm telling you how, what is ripening of the uterus. See, ड्यूरिंग द राइपनिंग, यू नो, मतलब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यू नो, पक फ्रूट्स का पक जाना, राइट. मान लो अमरूद अभी कच्चे हैं बट वी वेट फॉर राइपनिंग. ओके, पकने के बाद ही वी हार्ड एनी फ्रूट्स. ओके, तो राइपनिंग इन द सेंस हियर इन द सर्विक्स, व्हेन सर्विक्स इज फुली रेडी, फुली प्रिपेयर्ड, फुली कंप्लीटेड टू, बिकॉज सर्विक्स इज़ द ओनली पार्ट विच प्ले मेजर रोल. बिकॉज मैं बोलती हूँ ना, कम्प्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देर इज़ ए स्मॉल होल. ओके, वेरी वेरी स्मॉल एरिया इज देयर. हाउ बेबी विल कम आउट फ्रॉम दैट सर्विक्स, यू जस्ट अंडरस्टैंड. सो इट इज़ नीडेड टू डायलेट द सर्विक्स, मीन्स कम्प्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, और राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स मीन्स preparation of the cervix to accommodate the delivery of fetus. Understanding my words, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज आप टेक्स्ट करना ग्रुप में, वापस मुझे पूछ लेना, मैम प्लीज एक बार राइपनिंग ऑफ द यूट्रस हमें समझाओ, तो अगेन आई टीच यू, नो प्रॉब्लम. ओके, बट राइपनिंग ऑफ द cervix means that इन ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देर इज नो राइपनिंग, क्योंकि सर्विक्स उस टाइम पर रेडी नहीं होता है. बट ड्यूरिंग द डिलीवरी हमें सर्विक्स को रेडी करना है ना, इसीलिए वी प्रोवाइड द ऑक्सीटोसिन फॉर राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स ताकि राइपन होके प्रॉपर डायलिटेशन हो सके. अंडरस्टैंड, सो वी प्रोवाइड द ऑक्सीटोसिन फॉर राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स. नेक्स्ट इज ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर. ना ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर, इंडक्शन ऑफ द लेबर, दिस ऑल आर द सेम. ऑगमेंटेशन मीन्स विल प्रोवाइड द कंडीशन, विल प्रोवाइड द प्रॉपर like induction, after the process of induction will provide the augmentation. अच्छा, induction of labor, अगर आप लोग का वो unit हो चुका होगा तो induction augmentation सब आप लोग का ये unit हो portion हो चुका होगा. There is no need of going in deep about the induction and augmentation. Okay, uterine inertia. In this situation, when the uterus in the condition of inertia will provide this oxytocin medications. Okay. Next, we'll
नेक्स्ट इन द कंडीशन ऑफ लेबर विल प्रोवाइड दिस ड्रग्स और ऑक्सीटोसिन इन द केस ऑफ लेबर वाई विल प्रोवाइड इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर वी प्रोवाइड द ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑल्सो बट स्पेशली वी प्रोवाइड दिस ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर इन द केस ऑफ इन द स्टेज ऑफ थर्ड वाई to remove of the placental products or placenta, okay? क्योंकि third stage में, third stage is the only stage जिसमें अगर हम before the first stage और before the second stage अगर हमने oxytocin दिया है तो उसका effect somewhere कम होने लगता है तो we'll provide the oxytocin again in the third stage so that the placenta can remove out easily, okay? Following expulsion of the placenta. Now, why we provide during the following the expulsion of the placenta? जैसे ही placenta out हो जाता है उसके बाद भी why we are providing the oxytocin after the expulsion of the placenta? Because if there is any beads, any parts of the placenta will be there that will be easily removed out by the help of oxytocins or contraction relaxation of the uterine muscle. So we provide this oxytocin after the expulsion of the placenta also, okay? Now in the case of puerperium, to minimize the blood loss and to control the PPH, I told you earlier also, this oxytocin also help to reduce the, to stop the bleeding, okay? So in the case of PPH or in the case of lochia during the puerperium period, we provide oxytocin to control this bleeding, okay? In the case of now next is diagnostic contraction मैंने बताया था contraction stress test and non-stress test okay in the contraction stress test or that also called the CST and that non-stress test also called the NST let's see in the case of CST we provide the let's see the principles the test is based on the determination of respiratory function of the fetoplacental unit during the induced contraction we also provide in this situation what maine aap log ko bataya tha in this case of CST we see the contraction at the same contraction of the uterine muscles at the same time the movement or the heartbeat of the fetus okay in this situation will be easily understand the normal probability of woman's delivery okay so next is CST in the case of how much time it is let me share